हाय गाइस, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सुमेरा टेक। आज हमारे सामने है मारुति सुजुकी की न्यूली लॉन्च डिजायर, जो और मारुति की जो है पहली 5-स्टार रेटिंग जो है ग्लोबल एनकैप के थ्रू जो कि प्रोडक्ट है वो मारुति सुजुकी डिजायर जो आपके सामने नज़र आ रही है। ये जो है 5-स्टार रेट की है ग्लोबल एनकैप में और ग्लोबल एनकैप चाइल्ड सेफ्टी में इसने 4-स्टार जो है हासिल किया है। तो 5-स्टार रेटेड जो मारुति सुजुकी डिज़ायर आपको सामने फ्रेम में नज़र आ रही है और ये इसकी टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें AMT का जो है ऑप्शन आता है। तो ये ZXI प्लस AMT वाली जो वेरिएंट है वो है, इसमें एक मैनुअल का भी ऑप्शन आता है और एक AMT का जो है ऑप्शन आता है। तो आज हमारे सामने है AMT वाली वेरिएंट, मतलब हम आज रिव्यू करने वाले ऑटोमेटिक वेरिएंट की जो है आपके सामने नज़र आता है। अब हम बात करते हैं न्यू डिज़ायर के प्राइस के बारे में। प्राइस बेस मॉडल से शुरू होती है 6,79,000 एक शोरूम और गो स्टील, ये जो टॉप ऑफ द लाइन ZXI प्लस ऑटोमेटिक, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता। इसका प्राइस है 10,14,000। ये जो मैं रेट बता रहा हूँ ये आपको एक शोरूम जो रेट है उसकी मैं बता रहा हूँ, ऑन रोड आते आते उससे कुछ आप अपने नियरेस्ट डीलर पर पता कर सकते हैं। अभी मैं हूँ विश्व भारती ऑटोमोबाइल जो कि विधानसभा रोड रायपुर में। डिस्क्रिप्शन पे शोरूम के डिटेल्स है। मारुति की किसी भी प्रोडक्ट से इंक्वायरी लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे नंबर है उस पे जाके इंक्वायरी ले सकते हैं। प्लस की से स्टार्ट करते हैं। कीज आपको जो है टिपिकल मारुति जैसे यूज़ करती है वैसे आपको नजर आती है। जैसे कि ये अरीना की प्रोडक्ट है डिजायर, तो अरीना के जैसे यहाँ ब्लू शेड में आती है वो आपको यहाँ नज़र आता है, टिपिकल मारुति जैसे यूज़ करती है। यहाँ सब देख सकते हो, यहाँ लॉक है, ये अनलॉक है, बूट रिलीज की जो बटन है वो नज़र आता है। कीलेस एंट्री जो है आपको ऑफर की गई है। तो कीज़ को करते हैं साइड और बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलती है। ये आपको न्यू जो कलर है ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 6 कलर जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। ये कुछ समथिंग ब्लू कलर ऐसा कुछ आपको इसको इस नाम से जाना जाता है। इस कलर को देखने में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है और ये थोड़ी जो है आजकल चल भी रहा है और देखने में ऐसा लगता है कि ऑडी की A4 थोड़ी सी लुक उस टाइप से आ रही है। तो हाँ, बढ़िया लुक इस बार आ रहा है। मतलब जैसे कि आप पहले लोग बोलते थे कि स्विफ्ट और डिज़ायर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपने सामने डिज़ायर है और जो पहले की स्विफ्ट आती थी ऑलमोस्ट सेम था, वो पीछे की कट करके लगाते थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये जो स्विफ्ट है वो आपको नज़र आता है और ये अगर मैं एक फ्रेम में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो ये कुछ आपको व्यू आने वाला है। तो टोटली आपको जो है डिफरेंट यहाँ पे जो है लुक कर दिया है, स्विफ्ट को अलग कर दिया है और जो डिज़ायर है उसको आप अलग अलग चेहरे से आप जानेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट में। फ्रंट फेसिया की हम बात करें तो कुछ इस टाइप की नज़र आती है। टोटली आपको जो है नई फेसलिफ्ट जो है आपको यहाँ नज़र आने वाली है। सुजुकी की बड़ी सी लोगो आपको फ्रंट में नज़र आता है और फ्रंट में दो जो है हॉर्न्स नज़र आते हैं, 1-2 ऐसा कुछ है। यहाँ नंबर प्लेट लगाने के ऑप्शन है। फ्रंट में कुछ भी आपको यहाँ सेंसर्स वगैरह जो है ऑफर नहीं की गई है। बाकी अगर हेडलाइट्स की तरफ आप नज़र डालोगे तो हाँ, इस बार हेडलाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं। और ये जो है 6 स्प्लिटेड जो है हेडलाइट्स आपको नज़र आते हैं, मतलब जो कुछ जो है हाई बीम में जलेंगे और कुछ लो बीम के लिए। DRLs यहाँ नज़र आ रहे होंगे, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ तो आपको समझ आ रही है ये DRLs है। और टर्न इंडिकेटर्स जो है आपको एलोजा नज़र आता है। बाकी जो हेडलाइट सेटअप है पूरी ऊपर की तरफ वो पूरी आपको LED नज़र आती है, बस जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन नज़र आने वाला है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो लुक है वो निकल के आ रहा है। कैसी लग रही है आपको लुक कमेंट सेक्शन प्लीज़ एक बार बता के जाना। अगर नीचे की तरफ बात करें जो फॉग लाइट है वो भी आपको ये टॉप ऑफ द लाइन में यहाँ LED जो है आपको ऑफर की गई है, ये आपको अनपेंटेड जो है रखा गया नज़र आते हैं। वाइपर्स की हम बात करें, टॉप ऑफ द लाइन है ZXI प्लस है तो आपको वाइपर्स वही नॉर्मल देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ एरोटीन वगैरह जो है वो ऑफर नहीं की है, जो सिंपल नॉर्मल आती है वो। दो वॉशर्स आपको फ्रंट में नज़र आते हैं, ऐसा कुछ भी रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह समथिंग कुछ भी नहीं देता। और अगर हेडलाइट्स की और बात की जाए तो ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है आपको यहाँ पे ऑफर की गई है मारुति सुजुकी डिज़ायर में। उसके बाद हम ऐसे साइड से बात करते हैं, साइड से भी लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान इसे कहा जाता था, तो वो बरकरार रखने के लिए और इसके जो स्टाइलिश जो स्टैंड्स है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो डिज़ाइन है, बिग सल्यूट है। मतलब जो मारुति के ये जो डिज़ाइन किए हैं उनके लिए बिग सल्यूट है, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है ये लुक निकल के आ रहा है। उसके बाद साइड से आप देख सकते हो अलॉयज भी टोटली चेंज है और डिफरेंट जो है आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है और कुछ क्रिएटिविटी टाइप से यूज़ किया गया। जैसे ये ऐसा दिख रहा है तो चलते हुए ऐसे जो राउंड लेगी तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बेहतरीन लगेगी। सीएट के टायर्स यूज़ किए गए हैं। अगर सेक्शन की बात की जाए 185/65 R15 सेक्शन वही रखा गया, पर जो डायमंड कट अलॉय है वो आपको यहाँ पे शेप जो है उसके डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया। बीच मारुति की एम्बलम है, 4 नट्स वही आपको पहले की तरह देखने को मिलती है। फ्रंट में डिस्क आपको जो है नज़र आती है।
उसके बाद ऐसा कुछ आपको नजर आने वाला है टोटल। हाँ, ओआरवीएम जो है आपको, मेरे को जहाँ तक समझ आ रही है, जो पहले की डिजायर है वही सेम यहाँ रखा गया है, पर हाँ 360 के लिए जो यहाँ कैमरा है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे जो है ओआरवीएम पे नज़र आ जाता है, और ऐसा कुछ आपको नज़र आने वाला है पूरी की पूरी। और यहाँ जैसे डोर हैंडल्स आप यहाँ देख सकते हो, बॉडी कलर जो है नज़र आता है, रिक्वेस्ट सेंसर्स है, यहाँ फिजिकल ओपन कर सकते हैं, और जो क्रोम की लाइन है वो पूरी आप पीछे तक जो है कंटिन्यू हो रही है। तो साइड से कुछ इस टाइप की जो है व्यू आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद हम एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, तो पीछे से जो लुक है कुछ इस टाइप की नज़र आती है, पर थोड़ा सा मैं 1x में कर दे रहा हूँ, तो ये जो व्यू है आप देखिए। इसके बाद अगर पीछे से हम बात करें तो ये देख रहे हो आप बम्पर के नीचे तरफ थोड़े थोड़े इस बार ना काफ़ी अग्रेसिव ऐसे थोड़ा वर्क किया गया, मतलब एरोडायनामिक्स वगैरह चीज़ें या लुक्स के लिए थोड़े शार्प ऐसे नज़र आए, वो सब चीज़ें यहाँ रखा गया। बिल्ड क्वालिटी मतलब 5-स्टार रेट अगर कर रही है ग्लोबल एनकैप में, तो कितनी कैपेबल है ये आप ऐसे बिल्ड क्वालिटी से समझ सकते हैं। तो पीछे से कुछ ऐसा नज़र आता है, यहाँ डिज़ायर की बैज आपको जो है क्रोम एलिमेंट में, 3D एलिमेंट जो है वो नज़र आ जाती है, सुजुकी की यहाँ लोगो है, यहाँ क्रोम गार्निश जो है वो नज़र आता है, साथ में पियानो ब्लैक जो है वो ऑफर की गई है, जो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे डिसेंट और काफ़ी सेक्सी जो है लुक निकाल के दे रहा है। यहाँ पे जो कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस है, यहाँ नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन है, नीचे की तरफ लाइट जो है ऑफर की गई है। टेल लाइट्स की हम बात करें, जैसे कि LED सेटअप में रखा गया है, और जैसे हेडलाइट है वो भी आपको हेलोजन जैसे टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स यहाँ नज़र आता है, वैसे हेडलाइट की तरह ही जो सिस्टम है ब्रेक्स वगैरह की वो LED है, और यहाँ हेलोजन जो है रखा गया, साथ में रिफ्लेक्टर्स भी वहीं ऐड कर दिए गए, और 4 जो है सेंसर्स आपको बैक से नज़र आने वाले हैं। एग्जॉस्ट की हम बात की जाए, एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे जो एग्जॉस्ट नोट है वो रखा गया है, यहाँ से आप जो 2 वगैरह है वो सब कर सकते हो। अगर टायर पीछे देखो तो इतनी चौड़ी कुछ आपको यहाँ नज़र आती है, ठीक। उसके बाद ऐसा कुछ शाफ्ट नट एंटीना जो है ऊपर में नज़र आती है, और एक मेजर चीज़ हम एक्सटीरियर से अगर बात की जाए तो एक्सटीरियर मेजर चीज़ जो है आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ये जो आपको ब्लैक जो पोर्शन दिख रहा है, हाँ भाई इस जो डिज़ायर में आ चुकी है सनरूफ, जो कि तहलका यहाँ ने मचा दिया है डिज़ायर के ऊपर, जो मारुति सुजुकी ने यहाँ पे डिज़ायर में भी सनरूफ देकर काफ़ी इंडियन मार्केट को जैसे एग्रेसिव एक अच्छी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे और एक बार मारुति सुजुकी के थ्रू लॉन्च कर दिया गया है। तो हाँ, इसमें सनरूफ जो है ऑफर की गई है, अभी इसको ओपन करके भी दिखाते हैं कि कैसा सनरूफ ओपन होने के बाद क्या विजिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, कितनी स्पेस देखने को मिलती है। उसी के साथ अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 163 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर की गई है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही होगी 163 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस नज़र आ रही है। कुछ इंडियन टिपिकल कंडीशन के हिसाब से कुछ भी आपको यहाँ पे इशू नहीं आने वाला, काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस जो है सेडान के हिसाब से भी रखा गया है। इसके बाद हम बाहर से देखेंगे तो यहाँ फ्यूल टैंक कैपेसिटी हम बात करते हैं, लेफ्ट साइड में जो फ्यूल जो लीड है वो आपको यहाँ पे ऑफर कर रही है, इधर तो 37 लीटर्स की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको नज़र आने वाली है। इसमें सिर्फ पेट्रोल और CNG का ऑप्शन है, डीजल जैसे कि मारुति अपनी बंद कर दिया है, तो यहाँ पे CNG और पेट्रोल का जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। 37 लीटर्स की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की गई है। आप पीछे से अगर बताना चाहो, यहाँ पे जो है डिफॉगर जो है वो नज़र आते हैं, और यहाँ हाई माउंट स्टॉप लाइट जो है यहाँ पे ऑफर की गई है। एक्सटीरियर से अगर बूट स्पेस की हम बात करें तो यहाँ से आप जैसे बटन दबाएंगे आपकी जो बूट है वो ओपन हो जाएगी, इस टाइप की कुछ मैकेनिज्म आपको नज़र आने वाली है। प्रोटेक्शन या उस टाइप की कुछ भी नहीं देखने नहीं मिलते, यहाँ से इजीली आप जो है वायरिंग वगैरह छेड़खानी कर सकते हैं, या आर पर जो है यहाँ पे जो चीज़ें मैकेनिज्म है वो नज़र आ रही है। यहाँ कुछ तो देना चाहिए था एटलीस्ट मारुति को, क्योंकि यहाँ से कोई ओपन कर रहा है थोड़ी ख़राब लग रही है देखने में, ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पे बूट स्पेस की हम बात किया जाए तो 382 लीटर्स की जो बूट स्पेस आपको नज़र आने वाली है, तो कि इतना जो पहले भी डिज़ायर में आती थी कि बूट स्पेस में कभी भी इशू नहीं होता था, और इस डिज़ायर में भी कोई भी इशू नहीं हो रहा है। और सेफ्टी का लेंस के लिए यहाँ पे आप जो है ट्रायंगल्स वगैरह है, इंस्ट्रक्शन वगैरह वो दिया गया है। फिर यहाँ से जैसे आप इसको पुल करते हैं, जो स्टील रिम है वो आपको ये नज़र आता है, सेक्शन जो है सेम यहाँ पे रखा गया है, और जो टूल्स है वो यहाँ पे जैक और जो पाना वगैरह वो यहाँ पे आपको ऑफर की गई है। तो आप जिसको आप जैसे इसको फिर यहाँ से आप बंद कर सकते हैं इजीली, वन स्टेप जो है आपको यहाँ क्लोज हो जाती है। अब इंटीरियर में बढ़ते हैं, इंटीरियर में आपको क्या क्या चीज़ देखने मिलती है, तो ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है इसको इससे आप अनलॉक कर सकते हैं, अगर आपकी कीज़ जो है यहाँ जेब में रखा हुआ है। जैसे आप इसको खोलोगे तो आपको इंटीरियर पे कुछ ऐसा आपको नज़र आने वाला है, डुअल टोन थीम में यहाँ पे बेसिकली रखा गया इंटीरियर, या ब्लैक और जो है यहाँ बीच या वाइट टाइप सी जो है यहाँ फिनिशिंग दी गई है, मे बी बीच कलर जो है ये लग रहा है, थोड़ी शेड का वो पे इशू है, या सिल्वर फिनिश है, या पावर विंडो के कंट्रोल्स है, ऑटो अप डाउन ड्राइवर साइड विंडो है, यहाँ पे फोल्डेबल एडजस्ट ओआरवीएम के जो है कंट्रोल्स आपको ऑफर की गई है, सॉफ्ट टच पर या फैब्रिक जो है वो नज़र आता है, यहाँ से आप मैगजीन या स्टोरेज मिल जाता है कुछ रख सकते हो, यहाँ पे आप वाटर होल्डर्स हैं, यहाँ स्पीकर्स हैं, और जैसे आप गाड़ी पे बैठते हो तो कुछ इस टाइप की व्यू जो है नज़र आने वाली है। इसके बार क्लोज करते हैं,
ये जैसे कि ऑटोमेटिक है, सिंपली आपको जो है ब्रेक प्रेस करना है और इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है वो आपको प्रेस करनी है। गाड़ी साइलेंटली अपनी स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ओके, रिजर्व फ्यूल का जो है आपको यहाँ पे वार्निंग देते हुए नजर आ रहा है, और जैसे स्टार्ट होती है तो आपको सराउंडिंग जो है आपको 360 आपको दिखा देती है यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, और यहाँ पे जो वार्निंग है रिजर्व वगैरह की वो सब चीजें भी यहाँ पे देखने मिलती है। स्टेयरिंग की हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए तो यहाँ लेदर रैट जो है स्टेयरिंग आपको ऑफर की गई है, जैसे स्टिचिंग्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, डी कट स्टेयरिंग जो है वो नजर आता है, सिलेवस फिनिश है जैसे कि टॉप मॉडल्स में आपको देखने मिलती है, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है, या सुजुकी की लोगो है, या जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। हॉर्न्स की हम बात करते हैं, वही जो पुराने डिजायर में भी आती थी वही यहाँ पे हॉर्न्स रखे गए हैं। हेडलाइट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है ऐड हो गया है। वाइपर्स की अगर बात करते हैं तो वाइपर्स आपको कुछ इतना नजर आती है, यहाँ पे कंट्रोल्स जो है वो नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो 360 के लिए ऐसे बटन दबाते हो, यहाँ जो इस टाइप की आपको ऑफर कर रही है, जो डिजायर है वो आपको सराउंडिंग पूरी दिखा रही है कि कुछ है तो नहीं। 360 का जो है वर्क आपको यहाँ देखने को मिलता है, और एक बार अगर उसको जस्ट प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे जैसे चेंज होती हुई नजर आएगी, और यहाँ से मल्टीपल ऐसे जो मोड्स है वो सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, ठीक है। और ये ऐसा कुछ देखने मिलता है, और उसी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑफर की गई है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है वो नज़र आता है, फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी वो है, हेडलाइट लेवलर है, नीचे फ्यूल लीड जो है वो ओपन करने की है, बोट यहाँ से ओपन कर सकते हो, बाकी एक्सलेटर ब्रेक और जो डेड पेडल आपको ऑफर की गई है, ठीक है। कंसोल पर बात की जाए, USB टाइप देखने मिल जाती है, 12 वोल्ट सॉकेट है, यहाँ पर आप जैसे वायरलेस चार्जिंग का जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ थोड़ी स्टोरेज है, यहाँ जैसे AMT है तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म इसका है, जैसे ब्रेक प्रेस करोगे यहाँ ऐसे करके ये रिवर्स हो गई, ये न्यूट्रल आ गई, ये ड्राइव। इसमें आप मैनुअली भी रख सकते हैं फर्स्ट सेकंड, जैसे कि आप जैसे फर्स्ट में वन में करोगे, मतलब जो माइनस पे करोगे वन है देख सकते हो, और जैसे मैं इसको एक बार पीछे करूँगा, जैसे अप शिफ्ट करना है ऐसा, डाउन शिफ्ट करना है तो अपने हिसाब से देखो वन पे आ गई ये यहाँ पे जो दिख रही है, ठीक है। अभी करते हैं इसको न्यूट्रल पे, हैंड ब्रेक आपको जो है ऐसी खींचने वाली नज़र आती है, सीट की क्वालिटी जो है आपको फैब्रिक नज़र आती है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको ऑफर की गई है। यहाँ मैनुअली डिमिंग जो है IRVM ऑफर की गई है, ठीक, यहाँ से आप सनरूफ वगैरह ओपन कर सकते हो, यहाँ से हेलोजन जो है वो नज़र आती है, हाँ सनरूफ यहाँ से ओपन होती है वो भी, तो जैसे पन्नी हटाओगे, ठीक है, अपने आप यहाँ सनरूफ जो है ओपन हो चुकी है, और विजिबिलिटी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की आपको देखने को मिल रही है, तो सनरूफ कुछ इतनी बड़ी आपको नज़र आती है, यहाँ टिकट होल्डर्स वगैरह नज़र आते हैं, वैनिटी मिरर है, ग्रैब हैंडल्स हैं, और यहाँ डैशबोर्ड की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ वुडन फिनिश जो है वो नज़र आती है, काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, हैजार्ड के बटन्स हैं। हाँ क्लस्टर की बात की जाए तो जैसे कि स्विफ्ट में आती थी वही क्लस्टर आपको रखा गया, थोड़ी सन के कारण थोड़ा इशू हो रही है, हाँ, तो यहाँ फ्यूल की लेवल है, यहाँ पे 220 का स्पीडोमीटर यहाँ नज़र आ जाता है, गियर इंडिकेटर है, यहाँ से ट्रिप पे ट्रिप भी कर सकते हो, यहाँ से 36 डिग्री सेल्सियस जो है आपको टेम्परेचर ऑफ देखने को मिल रही है, ड्राइविंग टाइम ये सब चीज़ें, यहाँ इंजन टेम्परेचर है, और यहाँ RPM मीटर जो है टेकोमीटर वो आपको नज़र आते हैं, कुछ कुछ साइंस नज़र आते हैं। हाँ जो मीटर कंट्रोल है वो आपको यहाँ कहीं पे प्लेस करना चाहिए था, पर वो चीज़ नहीं मिलता, ये जो डंडी है उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो आइडल टाइम्स वगैरह, फ्रंट मोशन, टॉर्क पावर, ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं जैसे नॉर्मली मारुति गाड़ी में देखने मिलती है वो सब चीज़ें नज़र आती है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है खड़ी गाड़ी है या स्टॉकेड गाड़ी है इसलिए इतना दिखा रही है, कभी मारुति गाड़ी इतना दे ही नहीं सकती कुछ भी कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जैसे ट्रिप पे ट्रिप भी एडजस्ट हो जाएगी, जैसे ओडो में अभी 10 किलोमीटर दिखा रहा है ट्रिप पे ट्रिप भी, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, प्रेस करके रखोगे तो रीसेट हो जाएगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं तो ये 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नज़र आती है, जो कि टिपिकल मल्टीपल मारुति सुजुकी गाड़ियों पर यूज़ होती है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्मूथ भी वर्क कर रही है, काफ़ी अच्छी समझ आती है, इजी टू रीड है या इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया हो गया है, जैसे यहाँ पे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मारुति सुजुकी के थ्रू TPMS जो है उसका ऑप्शन देखने मिलता है। TPMS इसका ये मतलब है कि जो टायर प्रेशर जो चीज़ है यहाँ देख सकते हो TPMS, इसको आप जैसे प्रेस करोगे कि कितने टायर्स में, मतलब कौन कौन से टायर्स में कितने कितने प्रेशर है वो आपको वो नज़र आएगा, ठीक है। अभी यहाँ स्टार दिखा रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो
आपको रिफ्यूलिंग की जो है चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ से देखकर कि कितना आपको हवा रखना है या कितना रखना है या क्या कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो इसमें कनेक्टिविटी वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे ऑफर आपको देखने मिलती है, वाईफाई सब चीज़ें, मतलब ओवरऑल आपको किसी भी चीज़ में यहाँ पे इशू नहीं होने वाला, बढ़िया चीज़ आपको यहाँ ऑफर की गई। ग्लव बॉक्स की हम बात करते हैं, ग्लव बॉक्स ऐसा कुछ फर्स्ट एड किट्स वगैरह, यूजर मैनुअल रखा गया, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं। अगर हम एक बार बैठ के बात करें अंडर थाई सपोर्ट वगैरह की, पहले मैं कंफर्टेबल थोड़ा बैठ पाता हूँ, हाँ अगर मैं ऐसे बैठता हूँ अंडर थाई सपोर्ट अच्छी है, मतलब ऐसे समझ नहीं आ रही है, और थोड़ी पहले के डिज़ायर से ना थोड़ी स्पेसियस टाइप की लग रही है इस बार वाली, एक बार डीलरशिप पे विजिट करके देखना, ठीक है आपको समझ आएगा। तो ऐसा कुछ राइडिंग पोस्चर है, आपको फ्रंट ऐसा कुछ नज़र आता है, स्पीकर्स मैंने दिखा दिया, इधर एक है और उस साइड पर एक है, ठीक है टोटल चार स्पीकर और दो ट्विटर नज़र आते हैं, जो कि ट्विटर से यहाँ पर प्लेसमेंट है, ऐसा कुछ है। अब अपन सेफ्टी फीचर्स की जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको 5-स्टार रेटेड कार है, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, मतलब मारुति की पहली 5-स्टार रेटेड गाड़ी है, और चाइल्ड सेफ्टी में 4-स्टार इसने हासिल किया है, और इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल एसिस्ट जैसे जो सेफ्टी फीचर्स है वो आपको यहाँ पे देखने मिलने वाले। तो मारुति सुजुकी ने यहाँ पे 5-स्टार लाना शुरू कर दिया, दिल पे लेना बात शुरू कर दिया कि नहीं यार अपनी पेपर नहीं बना दे हम गाड़ी, वो ऐसे करके फिर अपने जो है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, अपने बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव किया, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जो कि काफ़ी अच्छा जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, इतने फीचर्स वगैरह दे रहे हैं, प्राइस पॉइंट अच्छी है, एवरेज वगैरह अच्छी है, एवरेज वगैरह की हम चीज़ें इंजन जब कंपोनेंट बात करें तब करते हैं, तो यहाँ पे स्पेसेस वगैरह चीज़ें हैं। अब एक बार हम मेट्रो की तरफ बढ़ते हैं, मेट्रो में क्या क्या चीज़ें ऑफर की गई है और कैसे बैठने में जो पोस्चर नज़र आता है, पहले डोर जैसे हम यहाँ ओपन करते हैं तो ऐसे कुछ नज़र आता है, यहाँ हार्ड प्लास्टिक जो है वो ऑफर की गई, यहाँ से ग्रैब करके क्लोज या ओपन कर सकते हो, यहाँ से बॉटल होल्डर्स है, थोड़ी सी स्टोरेज है, स्पीकर है यहाँ पे क्रोम में, ओपनर देखने मिलता है, डुअल टोन यहाँ पे भी रखा गया, सीट्स वही आपको ऐसी नजर आते हैं 3-पॉइंटेड, साथ में यहाँ आर्मरेस्ट की जो है ऑप्शन यहाँ नजर आती है, एडजस्टेबल दो आपको यहाँ हेडरूम जो है देखने को मिलने वाली है। एक बार हम बैठते हैं, जैसे आप बैठते हो मेरी हाइट 5.5 फुट है, मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है, नी रूम काफी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, थोड़ी सी और इम्प्रूव होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, फ्रंट में यहाँ पे ना आर्मरेस्ट की कमी हो रही है, मतलब जैसे आप कंफर्टेबली या लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जाते हो तो आपको आर्मरेस्ट नीड होती है, तो आर्मरेस्ट होती है तो फुलफिल हो जाती चीज़ें, ठीक है वो एक इशू मेरे को लगा, यहाँ थोड़ी अंडर थाई सपोर्ट की इशू आ रही है वो ठीक है। हेडरूम देख सकते हो, हेडरूम भी अच्छी है, कोई इशू यहाँ पे नहीं आ रहा, ग्रैब हैंडल्स है या रीडिंग लैंप जैसे मारुति आजकल दे रही है उस टाइप में देगी है, यहाँ पे सनरूफ है इस कारण यहाँ पे अवॉइड की गई ये चीज़ें, तो ऐसा कुछ आपको नजर आता है। 3 adults थोड़े से मुश्किल से बैठ पाएंगे पर हाँ हो जाएगी, कोई यहाँ पे इशू नहीं आएगा, ठीक है ऐसा कुछ है। पीछे से आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पावर सप्लाई वगैरह के लिए इस साइड पे नहीं है, यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक सी टाइप और एक USB टाइप ऑफर की गई है, यहाँ स्टोरेज है, यहाँ AC के वेंट आपको नजर आ जाते हैं, तो इस टाइप की कुछ आपको देखने को मिल रही है, ठीक ओवरऑल गाड़ी ऐसा कुछ आपको नज़र आती है। ठीक हमने सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर लिया, मतलब एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर से लेकर हम हर चीज़ों के बारे में बात करें। अब बात करते हैं इसके इंजन की तरफ, इंजन में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है और क्या इंजन आया है सब चीज़ों के बारे में। कंपोनेंट आप जैसे ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप की नज़र आती है, इंसुलेशन का वर्क आपको देखने को मिलता है, इंजन वे कुछ इस टाइप की है, हाँ इसमें एक हाइड्रोलिक्स जो है मिसिंग है, अभी भी हाइड्रोलिक्स दे देना चाहिए था, हाइड्रोलिक्स नहीं है अभी, चेसिस नंबर आपको जो है यहाँ पर आपको ऑफर की जाती है। इंजन आपको जो है देख के समझ आ रहा होगा कि पुरानी वाली डिज़ायर या स्विफ्ट की इंजन नहीं है, ये है जो नई वाली स्विफ्ट है, ये वाली इंजन आपको यहाँ पे भी अब देखने को मिलता है, मतलब 3 सिलेंडर वाली जो 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड जो इंजन है आपको यहाँ पे भी जेड सीरीज़ वाली जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिलती है, जो कि 80 BHP और 112 Nm का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करती है 3 सिलेंडर वाली, जो सेम चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ वाइब्रेशंस वगैरह थोड़ी थोड़ी वैसी आपको यहाँ नजर आती है, लेकिन उतना समझ नहीं आता, वाइब्रेशंस चेक कराने लगा, अभी ऑन है। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। स्विफ्ट से मेरे को ऐसे पता नहीं क्यों, क्योंकि कम लग रही है, सेम इंजन इवन होने के बाद भी स्विफ्ट ऐसे हिलती है, जैसे 3 सिलेंडर इंजन है ना तो हल्की हल्की ऐसे हिलती है अंदर बैठते हो, लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसे हल्की सी शेक नहीं हो रही, कुछ ट्यूनिंग व्यूनिंग किया होगा, पर जो पावर आउटपुट्स वगैरह हैं ये आप ऑटोमेटिक ले लो या मैनुअल ले लो, आपको यहाँ पे सेम आपको जो है देखने मिलता है, कुछ भी यहाँ डिफरेंस नहीं है, या CNG का भी जो है ऑप्शन आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे 3 सिलेंडर है तो आप देख सकते हो पावर आउटपुट्स वगैरह जो सब चीज़ें बता दियो, वाइब्रेशंस तो हैं पर उतने क्यों नहीं लग रहे हैं मेरे को नहीं पता, या मैं गलत जज कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपकी ओपिनियन क्या है इस चीज़ पे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो ये था कुछ आज हमारा डिज़ायर ZXi+ AMT के ऊपर वीडियो, AMT और ZXi+ कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैनुअल ऑटोमेटिक का यहाँ पे डिफरेंस है और प्राइस का डिफरेंस है, और प्राइस का कितना डिफरेंस है मैनुअल और ऑटोमेटिक में
सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज़ जो है डिफरेंस है मैनुअल और ऑटोमेटिक। अगर आप लेना चाहते हो ऑटोमेटिक 45,000 महंगा है, मैनुअल आप 45,000 कम है। और एवरेज की यहाँ पे बात की जाए तो कंपनी क्लेम कर रही है 25 की पर ऑन हाईवे, आपको 20 अप्रॉक्सी जो है एवरेज यहाँ पे निकाल के देने वाली है। तो ये था कुछ आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, स्टेट इन विश्यू इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।